सो गुड मॉर्निंग एंड आई होप यू आर हैविंग अ ग्रेट डे। तो आज का कुछ टारगेट नहीं है व्लॉग में, आज मैंने ऐसे ही बस उठ के शुरू कर दिया व्लॉगिंग। सो लेट्स सी हाउ द डे गोज एंड जो भी होगा आप व्लॉग में देखोगे। रोज की तरह मैं अभी ऑफिस वही अपना बोरिंग खाना खा रहा हूँ, ओट्स और अभी अंडे निकाल लें फ्रिज से। आज वैसे 10 अंडों का ऑमलेट नहीं खाने वाला हूँ, मैं 6 ही खाऊंगा। हमेशा ओट्स या फिर जो भी खाता हूँ वो इसमें मेजर करके लेता हूँ, नहीं तो पूरा इम्बैलेंस हो जाता है एंड कैलोरी काउंट करते वक्त बहुत ज़्यादा तकलीफ भी होती है। कुछ दिनों से कुछ नया एक्सपेरिमेंट ट्राई कर रहा हूँ ओट्स के साथ। मैं ओट्स में कॉफ़ी पाउडर मिक्स करता हूँ और भाई साहब जो फ्लेवर आता है ना मज़ा आ जाता है खाने में। मैं नॉर्मली 2 पैकेट डालता हूँ एंड टेस्ट इज ऑसम। और मैंने खुद ने चीज़ एक्सपेक्ट नहीं की थी कि टेस्ट इतना अच्छा हो सकता है, सो गिव इट अ ट्राई। अभी मेरे को इन चीज़ों में ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद नहीं है, इसलिए मैं अलग अलग इजी रास्ते ढूंढता हूँ इसको करने के, एंड व्हाई नॉट टू डू इन इजी वे अगर पॉसिबल है। इसमें थोड़ा सा एक बिटर टेस्ट आएगा, बट व्हेन यू ब्लेंड हनी विद दैट ना वो बिटर टेस्ट मीठा बन जाएगा और उसका जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही सही लगेगा। तो अभी मैं खेलूंगा अपने अंडों के साथ, ये वाले अंडों के साथ। ओरिगैनो इज अ ग्रेट रिप्लेसमेंट फॉर चाट मसाला एंड उसी के साथ थोड़ा सा नमक डालेंगे। ये काम हो गया अंडों के साथ एंड हम इसको हिलाएंगे, मिक्स करेंगे। और अभी मैं घी यूज कर रहा हूँ कुछ दिनों से, क्योंकि घी में कंपैरेटिवली मस्टर्ड ऑयल से भी थोड़े कम कैलोरीज होते हैं। सो फॉर टाइम बीइंग मैं अभी जब तक मिनी कट पे हो तब तक मैं घी यूज़ करूँगा। हाँ, इस चीज़ के बिना पूरा मील अधूरा लगता है। इसकी एक साइड लगता है हो गई रेडी। यस, हो गई। एंड अभी इसको अरे इधर जा रहा है। ये ना बात, जो कलर आ रहा है ना ये इतने ही पेट भर जाता है मेरा। तो एक ऐसी नॉनसेंस सी चीज़ है जो मेरे को बहुत ज़्यादा एनॉय करती है। जब भी लोग व्हाट्सएप पूछते हैं तो उसका रिप्लाई में क्या देना चाहिए, उसका जवाब तो आज तक मिला नहीं है मेरे को। उसके बाद में जब भी कोई कन्वर्सेशन व्हाट्सएप पे चल रही है और उसके बाद में जब भी कन्वर्सेशन एंड हो जाती है तभी उसको रिप्लाई क्या करे या उसको रीड करके छोड़ दे। विच एंड वन मोर थिंग, जब भी मैं रोड पर चल रहा हूँ एंड समवन इज़ सीइंग मी, तो मेरा ना वॉक करने का तरीका पूरा अलग हो जाता है। मतलब पता नहीं कैसे लेकिन मैं एक ऑकवर्ड से तरीके में चलने लगता हूँ। आपने कभी ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की है तो कमेंट डाउन बिलो। बेसिकली मेरा भी प्लान था जाके साइकिल चलाने का, क्योंकि मैं एक सॉफ्ट कार्डियो ऐड कर रहा हूँ डेली बेसिस पे, या कम से कम वीक में 2-3 बार तो मैं कार्डियो करने की कोशिश कर रहा हूँ एंड उसी के लिए मैं सोचा था कि साइकिलिंग चले जाऊँगा। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा कंटाला आ रहा है साइकिलिंग जाने में और अभी थोड़ा पढ़ाई करना भी बाकी है, इसलिए मैंने अभी वो प्लान कैंसिल कर दिया। और जब भी मैं घर पे रहता हूँ ना बहुत आलस आता है यार, बहुत ज़्यादा आलस आता है। और ख़ास करके 3 बजे से 5 बजे के बीच में ना मेरे को बहुत नींद आती है, पता नहीं क्यों, लेकिन दैट इज़ अ फिक्स टाइम जब भी मेरे को बहुत ज़्यादा नींद आती है। मैं अभी जा रहा हूँ जिम की तरफ, मेरे मुँह पर जो खुशी है वो बस इसी टाइम पर आती है। और यहाँ पर बहुत ही गंदी आवाज़ आ रही है, मैं थोड़ा आगे जाके बात करता हूँ। मेरा बेसिकली बैक एंड बाइसेप का दिन है एंड डेडलिफ्ट करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। असली स्ट्रेंथ उसी दिन मालूम पड़ती है जब आप डेडलिफ्ट करते हो, बिकॉज यू कैन डू प्रोग्रेसिव ओवरलोड व्हाइल यू आर डूइंग अ डेडलिफ्ट। सो दैट्स माय प्लान फॉर टुडे। Just like the sunrise.
आज मैंने जो वर्कआउट एक्सपेक्ट किया था उसके हिसाब से मेरा वर्कआउट हुआ नहीं, लेकिन कोई नहीं, देर आर सम ऑफ डेज, देर आर सम ऑन डेज, एंड सो आई एम एंडिंग द व्लॉग ओवर हियर। अगर अच्छा लगा रहेगा तो हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब इफ़ यू वॉन्ट लर्न, स्टे फिट एंड स्टे मोटिवेटेड। माई नेम इज यश काशिद, साइन ऑफ। बहकी सभी जुबां हैं, हम हैं हजारों में अब की कम...